स्टूडेंट्स हमने लास्ट ट्रायल मड्यूल में देखा कि का स्केर क्या है और इसको कब कंडक्ट किया जाता है अब हम इसकी एक एक्सरसाइज करते हैं एस पी एस एस सॉफ्टवेयर पर स्टूडेंट्स मेरे पास ये एक डाटा सेट ओपन है जिसमें जेंडर और एजुकेशन का वेरिएबल है तो मैं देखता हूँ कि इनके दरम्यान कोई रिलेशनशिप है वेदर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर और नॉट तो हम एनालाइज में जाएंगे डिस्क्रिप्टिव्स uh, में हम क्रॉस टैब पे आएंगे और यहाँ पर हम जो है आ, अपना जेंडर जो है उसको रो में ले लेंगे और एजुकेशन को हम कॉलम में ले लेंगे और स्टेटिस्टिक्स में हम सिर्फ कास्कर को चेक इन करेंगे और इसके साथ हम ऑब्ज़र्व फ्रीक्वेंसी के साथ ही जो है इसको कंडक्ट करते हैं ओके तो यहाँ पर तीन यानी फर्स्ट में जेंडर वर्सेस एजुकेशन लेवल केस प्रोसेसिंग समरी आ गई कि दोनों वेरिएबल्स में कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है टोटल डाटा सेट है इसमें हम देखते हैं कि फीमेल बैचलर्स थ्री टेन है फीमेल मास्टर्स हंड्रेड एंड है और फीमेल एम फिल स्टूडेंट्स जो हैं वो थर्टी थ्री हैं जबकि मेल बैचलर्स जो हैं वो सिक्स हंड्रेड थर्टीन है मेल मास्टर्स जो हैं वो वन फोर्टी टू हैं और मेल एम फिल जो है वो ट्वेंटी एट है तो अब क्या ये जेंडर का कोई इफेक्ट या कोई रिलेशनशिप है एजुकेशन लेवल के साथ तो ये देखने के लिए हमने का इसके टेस्ट कंडक्ट किया तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है एक्स स्यर की वो है ट्वेंटी पॉइंट फाइव जीरो ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव जीरो फोर ये आपके पास आ रही है विथ टू डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये पॉइंट जीरो जीरो लेवल पर जो है वो सिग्निफिकेंट है यानी इनके दरम्या एक रिलेशनशिप है जेंडर और एजुकेशन लेवल के दरमियान दे आर रिलेटेड टू ईच अदर क्योंकि ये देखें आप जेंडर अगर हम बात करें तो फ़ीमेल बैचलर्स की इनमेंट सिग्निफिकेंटली कम है मेल बैचलर्स की इनलमेंट से और इसी तरह हमें वो एम फिल लेवल पे भी उनकी इनमेंट कम नज़र आती है मगर फीमेल की ऑलमोस्ट uh, थोड़ी सी ज़्यादा है एनरोलमेंट जो है मेल स्टूडेंट से मगर अगर हम देखें मेल स्टूडेंट्स हमारे पास सेवन एटी थ्री हैं और फीमेल हमारे पास फोर सिक्सटी टू हैं बिसाइड्स द डिफरेंस ये एक तरह का जेंडर का अफेक्ट है एजुकेशन लेवल पे अकॉर्डिंग टू दिस का रिजल्ट ऑफ द कास्र टेस्ट बाकी ये बात याद रखिएगा कि का स्केर टेस्ट करते हुए आपके पास यही जम्शन फुलफ़िल होनी चाहिए कोई कि कोई भी सेल नहीं होना चाहिए जिसकी वैल्यू लेस देन फाइव है जैसा कि के हमारे केस में है कि ज़ीरो सेल हैव एक्सपेक्टेड काउंट लेस देन फाइव तो इट्स ओके इट्स फाइन अगर यहाँ पे एक सेल भी हुआ लेस देन फाइव तो वो फिर ये का स्केयर की वैल्यू जो है वो सही काउंट नहीं हुई और फिर हम ये टेस्ट उस टेबल के लिए उन वेरिएबल्स के लिए नहीं लगा सकते तो ये ज़ीरो सेल आना बहुत ज़रूरी है एक्सपेक्टेड काउंट लेस देन फाइव तो ये हमने देख लिया है कि कास्र का टेस्ट हम कैसे कंडक्ट करते हैं इन एस पी एस एस